यहाँ तक कि हमारे क्वेश्चन खत्म हुए। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम एनवायरमेंट या साइंस टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। साइंस टेक पे तो जो ग्रीन प्रोटोकॉल, ग्रीन प्रोटोकॉल क्या होता है, जितने भी ISPCS सबके एग्जाम इंडस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट है, वन डे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सर्वो SSC टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या फिर पुलिस, सब सभी में तो देख सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीन प्रोटोकॉल। सुचित्वा मिशन से ग्रीन प्रोटोकॉल क्या है भैया, ग्रीन प्रोटोकॉल सुचित्वा मिशन, भारत एक बड़े कूड़े के ढेर के रूप में बदल रहा है, समस्या अब एक विशाल भंडार के रूप में है जो चौंका देने वाला है। जो भारत जो इतनी ज्यादा जो कूड़ा करकट हो रहा है तो उसमें तो सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचना पहुंच रहा है। और समस्या एक है क्या है, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक है, जो कचरा उत्पादक में जो है तीसरे नंबर पे है। 2050 तक कचरे में बढ़कर जो 436 मिलियन टन हो जाएगा। यहाँ पे केरल के सुचित्वा मिशन के तहत जो हरित प्रोटोकॉल को देश भर में लागू किया जा सकता है, अपशिष्ट प्रबंधन को निपटने के लिए एक प्रारंभिक कदम बन सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे इसमें हो गए, यहाँ पे ऑर्गेनिक, यहाँ पे पेपर हो गए, इसमें जो ये है हमारा येलो में हो गए जो प्लास्टिक हो गए, और जो ग्रीन में हमारी ग्लास हो गया, और इसमें जो मेटल हो जाएगा रेड में, और जो फेज येलो टाइप जो है इसमें वेस्ट हो जाएंगे, और फिर इसमें बाकी जो डस्ट। तो देख सकते हैं सारे जो अलग अलग सुचित्वा मिशन स्थानीय स्वशासन विभाग के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कार्यान्वयन के रणनीति के लिए विकसित करने के लिए जो विशिष्ट अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों ठोस तरल और गैस तरल के जो नीति क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। केरल राज्य में राज्यपालिका और पंचायतों की सहायता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। अच्छा, ग्रीन प्रोटोकॉल जो है जो अनिवार्य रूप से उपायों का एक तरीका है जिसके फलस्वरूप कचरे को जो लिए महत्वपूर्ण भूमिका है निभाई गई है। इसके अंतर्गत डिस्पोजल को उपयोग की रोकथाम, कांच स्टेनलेस स्टील चीनी मिट्टी बर्तन को जैसे पुनः प्रयोज्य विकल्पों के रूप में जो प्राथमिक स्थान दिया गया है। ग्रीन प्रोटोकॉल क्यों, जब हम किसी भी जो ग्रीन प्रोटोकॉल को लागू करते हैं तो गैर बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट पालन शून्य करीब हो जाते हैं उनका जो निकलने वाले जो ग्रीन प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाए, यानी जीवन सभी प्रकार के डिस्पोजल प्लास्टिक कागज सहित जो उपयोग से बचे ऐसे कपड़ों और जो स्टेनलेस जो उपयोग करने से इन्हें जो धोया और पुनः उपयोग में लाया जा सके ऐसा यूज करना है, देख सकते हैं। और थर्ड हमारा जैव अपघटनकारी और जो जैव अपघटनकारी के लिए अलग अलग सरल और उपयुक्त कंपोस्टिंग उपकरण का उपयोग करके जो इसका निपटान किया जाए। गैर जैव अपघटनकारी नॉन बायोडिग्रेडेबल को सूख जो साफ और सूखा रखे और अलग से जो संयुक्त स्टोर खुले पुनः चरण के लिए प्रणाली को जो स्क्रैन डीलर के को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो 5.5 पॉइंट इसमें प्रतिदिन प्लास्टिक से बचे, प्रतिदिन बंधित जो है जो भी है तो जैसे ये है तो उनसे बचना है हमें, इस प्रकार की जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 6, कैरी बैग यूज थ्रो एंड बैग, ये जो कैरी देते हैं ना कैरी बैग जैसे ये होते हैं तो इस तरह का यूज नहीं करना है। पर्यावरण के लिए अनुकूल बने और बैग का प्रयोग करें जैसे घर पहले करते थे तो, और साथ में हमेशा जो फ्लेक्स की जगह जो कपड़े का बैग का बैग को तैयार जो इस्तेमाल करें। जो 8 है प्लास्टिक के कचरे को टोकरी की बजाय जो बांस की टोकरी और पर्यावरण से जो अनुकूल सामग्री की बनी टोकरियों का उपयोग किया जाए। जो क्वेश्चन ये हमारा 8 है, सजावट के लिए, मेहमान के लिए, स्वागत के लिए गुलदस्ते आदि समय बनाते समय पर्यावरण का अनुकूल सामग्री जैसे पत्ते फूल आदि का ही यूज करना, जैसे लीफ है और जो फ्रूट वगैरह है जो इस तरह से उनका यूज करना बस। नंबर 10 है हमारा हरित प्रोटोकॉल के लिए केरल में वास्तव में एक आंदोलन बन गया है, या इससे जो निश्चित रूप से एक पर्यावरण संस्कृति और क्रांति के रूप में ले लिया है कि मिशन का दृढ़ विश्वास है कि हमारे यहाँ कोई भी कचरे हमारे जीने के तरीकों को बदलने वाला है। अच्छा, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो पहला ये ग्रीन जो प्रोटोकॉल के बारे में समझने के तौर पर विचार कीजिए, यह एक भारत मिशन के तहत जो केंद्र द्वारा जो की गई पहल है, इसका इस्तेमाल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में किया गया,
ग्रीन प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए पोस्ट इनवॉइस ऑर्डर मैनेजमेंट की आवश्यकता कम हो जाती है। यह प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन ठीक है, सभी पहला बी हमारा 1, 2, 3, 4 और सी हमारा 2, 3, 4 और डी हमारा से कोई नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये है, इसका जो है आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन सी 1, 2, 3, 4 ये ठीक है। तो देख सकते हैं। अच्छा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को